नमस्कार। तो आज आप हम स्टील एथलेट ऑफ इंडिया यानी कि सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग अपडेट के ऊपर नज़र डालेंगे कि कोई खास अपडेट है क्या। तो रिसेंटली देखा जाए तो देख सकते कि कोई खास अपडेट नज़र नहीं आ रही है रिसेंटली स्टील स्टॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो स्टील सेक्टर में, मेटल सेक्टर में आज तेज़ी देखने को मिली थी, उसमें सेल स्टॉक में भी एक अच्छा तेज़ी रिकवरी की है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे मंथ ऑफ जून से स्टॉक ने जो रिकवरी स्टार्ट की है 80 लेवल से, यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक सपोर्ट लेके पुल बैक देखने को मिला है और अभी तक 90 को टच किया है, 90 के ऊपर आज क्लोजिंग दे चुका है स्टॉक ने। तो रिसेंटली देखा जाए तो देख सकते कि यहाँ पे क्रॉस ओवर भी देखने को मिला है 200 मूविंग एवरेज को, यहाँ पे आप देख सकते कि 50 मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर किया है, या आप लोग बोल सकते कि सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते कि 90 लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज वॉल्यूम भी अच्छे खासे दिए थे सेल स्टॉक ने, तो वॉल्यूम कंटिन्यूस पॉजिटिव रहे थे, तो स्टॉक एक पॉजिटिव ब्रेकआउट भी मिल सकता है 90 लेवल को। पिछले कई दिनों से 88 पे रेजिस्टेंस ले रहा था, आज ब्रेकआउट दिया एक बुलिश कैंडल के साथ 3.74% ऊपर क्लोजिंग दिए स्टॉक ने 90 लेवल के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। तो 90 लेवल के ऊपर कल ओपन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो और ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। 90 के नीचे ओपन होता है तो हल्का सा 90 का रेजिस्टेंस लग सकता है और नीचे की तरफ आ सकता है स्टॉक। तो ये था लेटेस्ट अपडेट सेल स्टॉक के लिए।